सर, ये कोमाटोज फीमेल जो लिखा हुआ था 45 ईयर कोमाटोज, उसका मतलब है कोमे वाली फीमेल जो कोमे में थी। और सर जो जॉन्डस है उसमें ये होता है ना कि बिली रूबिन जो होता है वो जो यूरिन से बाहर निकलना होता है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और वो फिर बिली रूबिन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है जिसकी वजह से हमारी आइज येलो होने लग जाती हैं, उसके अंदर से जॉन्डस इसलिए होगा। और सिरोसिस आपने कहा था, स्कारिंग हो गया, फ्लैपिंग ट्रेमर्स आपने बताया था कि वो अगर टॉक्सिक लीवर साफ सही से नहीं कर पा रहा तो हमारे ब्रेन में जाके इशू करेंगे और उससे पेशेंट का हाथ कांपने लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं उसको हम कहेंगे फ्लैपिंग ट्रेमर्स। ठीक, और इसके बाद डायलेटेड वेन जो ब्लैकस में, वो तो आपने बता दिया था उसमें ये आगे, ठीक है। और यस, और सर आपने बताया था कि एसवीसी से आगे आईवीसी निकलता है इन्फीरियर वेना केवा, और जो लिवर है वो उसके पीछे पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन पीछे गट में जा रही है, और जो पोर्टल वेन और आईवीसी है इनके दरमियान में 4 कनेक्शन हैं, और पाँचों कनेक्शन जो है वो पोर्टल वेन का होता हुआ सीवीसी से भी लग रहा है, सुपीरियर वेना केवा से लग रहा है। जो पाँचों कनेक्शन है उसको आपने ईसोफेजियल वेन्स का नाम से दिया था, और जो बाकी 4 उनमें से एक आपने कहा था पैराम्बलाइकल रेक्टम, और बाकी 2 का क्या नाम था सर? ये एक स्टमक के पीछे पड़ा होता है, स्टमक के पीछे बेयर एरिया, एक स्टमक के पीछे बेयर एरिया, 4 हो गए, ठीक, और 5 हो गए, ठीक। और सर जब लिवर सही काम नहीं करता तो इन 5 में से कनेक्शन में से ब्लड जाने लग जाता है, तो ये था। और वेन क्लोज्ड इन 5 में से जाता है, और इंसेफेलोपैथी यानी माइंड में कन्फ्यूजन, अमोनिया ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो वो इसकी तरफ जाएगा, इसको पैटिक इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं, और फ्लेमिंग ट्रेमर इसका हैंड है वो ठीक होगा। और लिवर सर्विसेज सर डायफ्रामेटिक सिर्फ एक सुपीरियर सर्विस है, और विसरल में सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे ना, किडनी, स्टमक, ड्यूडिनम। और सर एक ये चीज़ पूछनी थी मैंने, हेपेटो रीनल पाउच और मॉरिसन्स पाउच, किडनी और लिवर के दरमियान में कोई मतलब हिस्सा किस तरह खाली बन जाता है? कोई लिगामेंट नीचे से फ्लोर बना रहा होता जिसकी वजह से एक पाउच बन जाता है जिसको मॉरिसन्स पाउच कहते हैं, पेटोरिनल। इधर से दिखा रहे हैं, यस सर, ये किडनी और लिवर के दरमियान जो है थोड़ी सी स्पेस बनती है। ये सर कौन सी वो स्पेस? ये किडनी पड़ी है, ये किडनी है, लिवर आ रहा है, बिल्कुल। ये जो लिवर और किडनी के दरमियान है छोटी, यस, ये सबसे नीचे यही बन रहा है, ये भी इतना नीचे लेफ्ट पे नहीं बना सर, राइट पे बन रहा है। राइट में क्या है? फैट। अच्छा, तो सर इसकी कोई रीजन है कि लेफ्ट पे क्यों नहीं बन रहा, सिर्फ राइट पे बन रहा है? लिवर ही। अच्छा हाँ, सॉरी, वो लिवर इधर है, ठीक। और सर इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी मॉरिसन पाउच की? वो डिपेंडेंट एरिया होता है। हाँ, वो आपने बताया था फ्लूइड एक्युमुलेट करता है। अच्छा, और सर जो आपने कहा था सेंडिंग कोलॉन है, वो जब लिवर के ऊपर इंप्रेशन बनाता है उस इंप्रेशन को पेटिक फ्लेक्चर कहेंगे ना, ये वर्ड आपने यूज किया था, उस इंप्रेशन को पेटिक फ्लेक्चर कहेंगे। वो जो कर्व आ रहा है उसके ऊपर, कोलॉन का कर्व लिवर के ऊपर जो आ रहा है ना, सिर्फ कोलॉन। एक मिनट, रिपीट, समझ नहीं आया। कोलॉन के कर्व है, यस, उसको कहते हैं पेटिक फ्लेक्चर। और उसके साथ हेपेटिक का वर्ड भी यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हिस्सा लिवर से टच कर रहा है। अच्छा, तो उसको ऑस्ट्रेशंस नहीं कहते जो इस तरह से बनी हुई है? वो तो अंदर कोलन की चीज है ना, जो ये टर्न है, यस सर, 90 डिग्री। अच्छा, क्योंकि ऊपर लिवर लाया करता है इसलिए हेपेटिक फ्लेक्चर्स। अच्छा, ये भी हो गया। और गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल स्टोर करता है, ये भी ठीक है। और लिवर के ऊपर जो लिगामेंट है वो कोरोनरी लिगामेंट हो गया, ठीक। और ये नीचे आ रहा है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो लैटरल एक्सटेंशंस हैं वो हमारे पास ट्रायंगुलर लिगामेंट्स हो गई हैं, और कोरोनरी लिगामेंट का पीछे से जो है पोर्टा हेपेटस के लिगामेंट लिगामेंटम विनोजम है, राउंड लिगामेंट, और ये एम्ब्लाइकस में नीचे से भी जा रहा है लिगामेंटम टीरीज। और सर आपने बोला था कि बेयर एरिया में जो होता है वो पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होता है, इससे क्या मुराद थी पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस? वो जो 5 कनेक्शंस बताए थे। अच्छा, तो ये 5 के 5 कनेक्शन सारे ही बेयर एरिया पे होते हैं, मतलब उधर ही खुल रहे होते हैं एक तरह से। 5 कनेक्शन में बताए थे, एक एसोफेगस में होता है, एक रेक्टम में होता है। हाँ, उसमें से एक बेयर एरिया, वो वाला कौन सा होगा? अम्लाइकस वाला तो नीचे चला जाएगा, एसोफेगस वाला ऊपर निकल जाएगा, और इसके अलावा कौन सा? स्टमक के बेड में होते हैं। तो बेयर एरिया वाले में कौन सा होगा? बेयर एरिया वाले में भी एक कनेक्शन होता है, लिवर से पीछे सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो तो क्लियर है सर, 4 इधर लग रहे हैं इन्फीरियर वेना केवा में, एक लिवर से ऊपर होते, तो ये 4
ये चारों बेयर एरिया वाले में ही लाई करेंगे? चारों में से एक बेयर एरिया। अच्छा वो वैसे आपको पता कौन सा वाला वैसे लाइक आ रहा है इन चारों में से? एक तो पैराम ब्लैक वाला, वो नीचे चला जाएगा, रेक्टम वाला भी नीचे चला जाएगा, और एक बेयर एरिया का अपना होगा। अच्छा वो इधर लाइक करेगा, ठीक है समझ गया, ये भी क्लियर है। और जो सर इसकी प्राइमरी स्पॉट है लीवर की, वो तो हम कहेंगे हेपेटिक वेन्स, इन्फीरियर वेना कैवा नहीं है। सेकेंडरी स्पॉट लिगामेंट्स है, वो रेमिनेंट्स होते हैं लिटिल स्पॉट। और सेगमेंट क्लोजिंग इसकी 8 है क्लॉक वाइज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 इधर होता है, 4 पीछे होगा। क्वाड्रेट लोब का नाम 1 सेगमेंट है, क्वाड्रेट लोब का नाम क्वाड 4 शेप 4th सेगमेंट है। और पोर्टल वेन डिवाइड कर देगी राइट सेगमेंट लेफ्ट सेगमेंट में, 5, 6, 7, 8 राइट सेगमेंट वाली है, लेफ्ट वाली में 2, 3, 4 है, और क्वाड्रेट लोब का 1 है और उसकी डुअल सप्लाई है। सर जो क्वाड्रेट लोब है इसकी डुअल सप्लाई की कोई सिग्निफिकेंस है या वैसे ही है बस क्वाड्रेट लोब की? क्या है वैसे रीज़न है? जैसे ड्यूडिनम की तो हमें पता लगता है, जैसे फोर गट और हाइंड गट वहाँ मिल रही है तभी उस पोर्शन की डोनर्स फ्लाई है। इसकी इस तरह इतनी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन बस यही है कि जो राइट लोब डेवलप होता है उसकी राइट साइड से आती है, लेफ्ट लोब की लेफ्ट साइड से आती है, लेकिन उसको डोनर से आती है क्योंकि कॉर्ड दरमियान में लाइक आ रहा है एक तरह से। दरमियान में भी लाइक और सर जो सेगमेंट्स का फायदा आपने बताया था, यही बताया था कि प्राइमरी कैंसर जिसमें प्राइमरी से मुराद के जिसमें वो लीवर खुद कॉज हो कैंसर की उसमें भी रिमूव हो जाता है, सेगमेंटोमी लेबेक्टोमी। और सेकेंडरी कॉज मेटास्टेसिस में अगर कहीं से आया हो तब भी, अगर फॉर एग्जांपल गट से। और तीसरा फ़ायदा इसका लिवर ट्रांसप्लांट लिविंग वन में से तब भी हो जाएगा। और लेप्रोटोमी का मतलब एब्डोमेन ओपन करना, ऑस्टियोटोमी यानी होल करना। और सर एक और टर्म भी आपने बताई थी इसके अलावा, लेप्रोटोमी ऑस्टियोटोमी यही थी। यस सर ये वाला पॉइंट थोड़ा मुझे नहीं समझ आता, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल डिफरेंस है सेगमेंट्स के में पार्ट का, वो छोड़ दो वो अभी थोड़ा काम करने। अच्छा ये सर्जिकल पॉइंट वैसे थोड़ा थोड़ा तो आ गया था मुझे हल्का सा, लेकिन इसका अभी फायदा नहीं है, अभी कंफ्यूज करोगे। ठीक वैसे यार तो 8 सेगमेंट्स हैं, 1 कॉर्ड 8 होता है 4 कॉर्ड। हां वो तो नाम से ही पता लग रहा है कॉर्ड शेप 4। ठीक हेपेटो रीनल हेपेटो ड्यूडिनल हेपेटो गैस्ट्रिक ब्लड सप्लाई यस। और सर आपने ये बताया था ना स्टमक और ड्यूडिनम सेजिटल सेक्शन में अगर देखें तो स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान में एपिप्लोइकी फोरमेन है, उससे ऊपर जो जा रहा है पोर्टल वेन जा रही है, हेपेटिक आर्टरी जा रही है और सिंपथेटिक प्लेक्सिस जा रहा है, और जो नीचे आ रहा है सिर्फ बाइल डक्ट, ये चार चीज़ें हैं। और लिम्फेटिक्स भी नीचे जा रही है 5। और लेसर मोमेंटम जो है वो लिवर और स्टमक के दरमियान में होता है। ठीक और सर आप एक ये चीज़ थी कि लिवर और लंग्स बॉडी में ऐसे जिनकी डोल सप्लाई है, तो लिवर में 70% जो है उसकी सप्लाई आ रही है गट से पोर्टल वेन के थ्रू, वो लंग्स की मुझे वो दूसरा सरमत बता रहा था, वो कह रहा था लंग्स की भी डोल सप्लाई है, वो बता रहा था एक है इसकी पल्मोनरी आर्टरी ब्रोंकियल आर्टरी है, और लिवर की ये था कि 70% इसकी गट से पोर्टल वेन के थ्रू आ रही है, 30% इसकी ओटा सीलिया ट्रंक्स होते हुए हेपेटिक आर्टरी से राइट एंड लेफ्ट और सेगमेंट और इंटरलोबल और से तो सर आपने एक लफ्ज़ इधर बोला था राइट एंड लेफ्ट जो है वो एंड आर्टरीज हैं और ये डाई आउट हो जाती है, पॉइंट नहीं समझ आया। यानी उसके एनास्टोमोसिस टाइप कुछ नहीं बना होता, तो बंद हो गई तो सारा ऑर्गन गया, अगर राइट बंद हुई तो पूरा राइट लोब आउट हो जाएगा। अच्छा और ये एग्जिट करती है सिर्फ हेपेटिक वेन में और आईवीसी में चली जाती है। ठीक सही ये भी कवर हो गया। और पिंच और अगर लिवर मैसिवली ब्लीड करता है तो एपिप्लोइकी फोरमेन को पिंच करेंगे और पिंच करने से वो बंद हो जाएगा सब कुछ, और इसको क्या कहेंगे स्प्रिंग सर इसका क्या नाम था वो जो हम पिंच कर रहे थे एपिप्लोइकी फोरमेन, क्या चीज़ प्रिंगल्स विनोवर मैनोवर। ठीक और मॉरिसन्स पाउच जब स्पाइन पोजीशन में होते हैं सबसे डिपेंडेंट रीजन है, अगर सर हम खड़े होंगे तो जो फ्लूड है सारा वो पैराकोलिक गटर्स में नहीं एक्युमुलेट होना चाहिए, आपने कहा था पेल्विस में होगा। अच्छा पैराकोलिक गटर थोड़े ऊपर है पेल्विस तो नीचे है, स्ट्रेट है। अच्छा ठीक मैम ये दरवाजा बंद कर दें शोर आ जा रहे हैं। और जी जी
अच्छा, तो खड़े होंगे तो वो पेल्विस में फ्लूड चला जाएगा, और अगर लेटेंगे तो मॉरिसन्स पाउच में चला जाएगा, जो राइट किडनी और वो दिखाया था आपने उसके दरमियान में। ठीक, और इसके बाद तो फिर एंड में यही पॉइंट्स था कि सिरोसिस में आपने कहा था स्कारिंग होगी, स्कारिंग में लिवर श्रिंक करते हैं क्योंकि फाइबर जो होते हैं वो आपस में जोड़ देते हैं, श्रिंकिंग करते हैं एक तरह से। और यह सिरोसिस तब होता है जब बंदा अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है। और हेपेटोमेगैली में आया था ट्यूमर, फैटी लिवर और कैंसर, और नॉन हेपेटिक कॉजेज राइट साइड हार्ट फेलियर जिसमें पूलिंग होगी ब्लड में नियरेस्ट ऑर्गन लिवर में, और सर लिवर के पास स्प्रेन भी इफेक्ट होगा। हो जाता है, अच्छा, फिर और अगर नीडल डालनी हो तो वो मिड एक्सिलरी राइन, 10th इंटरकोस्टल स्पेस, और वो भी एक्सेल्ड रीजन में, तब जब जब सर एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम ऊपर आता है ना, तो लिवर नीचे जाएगा नहीं, तो इनहेलिंग में नहीं ज़्यादा होगा फिर। अच्छा, अगर इनहेल करेंगे तो लिवर नहीं, इनहेल करेंगे तो लिवर और ज़्यादा नीचे नहीं आ जाएगा। अच्छा, अगर 10th पे लाना है तो बंदे को एक्सेल करवाना पड़ेगा, एक्सेल करवा के 10th पे आ जाएगा। और कॉम्प्लिकेशंस किस चीज़ की थी, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस? सर ये आपने कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस की बताई थी, ये जो है टॉक्सिन। अच्छा सिरोसिस, ठीक है, टॉक्सिन्स हैं तो वो किडनी को फेल कर देंगे, इंसेफेलोपैथी इंसेफेलोपैथी ब्रेन को अफेक्ट करेगी, ब्लड की बैक पुलिंग एसाइटस कॉज करेगी, और स्प्लीन और लिवर को अफेक्ट करेगी, इसोफेजियल वेरीसेस फोर्थ कनेक्शन की वजह से होंगे। जो सर इसोफेजियल वेरीसेस हैं, ये फोर्थ कनेक्शन फिफ्थ कनेक्शन जो बन रहा था सुपीरियर वेना कैवा से, जो डायरेक्ट लग रहा था लिवर को बाईपास कर रहा था फिफ्थ कनेक्शन, तो अगर वो कनेक्शन चलता रहा तो उससे इसोफेजियल वेरिसिस हो जाएंगी, यानी इसोफेजियल की वेंस डायलेट कर जाएंगी, तो बंदा कैसे मर जाएगा, इसमें क्या होगा फिर? अच्छा, जब डायलेट होंगे तो खून निकलने लग जाएगा और वॉमिटिंग आ जाएगी ब्लड में, और अगर स्टूल्स में भी ब्लड आएगा तो वो भी ब्लैक कलर आएगा क्योंकि बहुत ऊपर से आ रहा है। अच्छा, डिस्क्राइब टोपोग्राफी एक्सटेंट रिलेशनशिप ऑफ लिवर विद अदर ऑर्गन। सर टोपोग्राफी से मुराद ये था कि टोपोग्राफी वर्ड से क्या मुराद था? डिस्क्राइब टोपोग्राफी ऑफ द लिवर। अच्छा, एनाटॉमिकल पॉइंट्स, ठीक, पेरिटोनियल कवरिंग्स ऑफ द लिवर। पेरिटोनियल कवरिंग्स में तो फिर हम मेनली ये बताएंगे कि बेयर एरिया एग्जिस्ट कर रहा है और लिगामेंट्स किस तरह बन रहे हैं, क्योंकि वो जो लिगामेंट्स है वो पेरिटोनियल की दो लेयर्स है जो आपस में नीचे जाके दोनों लिगामेंटम टीडीज में बन के चल जाते हैं। और सर लिगामेंटम टीडी से बन के अम्बिलिकस से ही आगे फिर पेराटोनियल वॉल द्वारा शुरू होती है ना सारी, पोस्टीरियर एंटीरियर से फिर सारा आगे शुरू होगा ना, पेरिटोनियम जो हम शुरू करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई बेयर एरिया ऑन द मॉडल। बेयर एरिया तो मेन तो वो था वो जो आपने बताया था, और दूसरा आगे हल्का सा भी दिख रहा है, मेन वो है, और रिविजिट हेपेटोरिनल रिसेस मॉरिसन्स पाउच, और उसकी सिग्निफिकेंस भी क्लियर हो गई। इन स्पॉट्स ऑफ द लिवर, स्पॉट्स ऑफ लिवर, तो प्राइमरी तो वो बता दिया, प्राइमरी वो आ गया हमारे पास हेपेटिक वेन्स आ गई, सेकेंडरी में लिगामेंट्स आ जाएंगे, इन्फीरियर वेन केवल किसी भी हालत में नहीं कहेंगे। मैंने उसके ऊपर पड़ी होती है। अच्छा, आइडेंटिफाई इंप्रेशन ऑन इट सरफेस ऑन द मॉडल्स, इंप्रेशन। अच्छा ये लिवर है, अच्छा ये लिवर है, तो इसमें जो आगे वाला अच्छा इस तरह पड़ा है ना, तो आगे वाला जो होगा वो होगा हेपेटिक कोलिक फ्रैक्चर, यानी कोलॉन से बनने वाला, और उससे पीछे जो होगा वो क्योंकि किडनी है तो किडनी वाला आ जाएगा, और जो बिल्कुल राइट साइड पे जो इधर वाला इंप्रेशन होगा सारा, हाँ लेफ्ट साइड वाला वो स्टमक आ गया, तीन इंप्रेशन हो गए, और जो ये जो इधर से दिख रहा है ये इस इन्फीरियर वेना कैवा के साइड पे ये सुपीरियर इंप्रेशन, तो बस ये चार इंप्रेशन हैं, और एक वो ड्यूडिनम की बात कर रहा था, वो इंप्रेशन बताएं ड्यूडिनम वाला। अच्छा ये जो पोर्टा पैटिस वाला, ये वाला पॉइंट, तो पोर्टा पैटिस पे तो ड्यूडिनम नहीं लगती, वहां से चीजें निकल रही हैं, तो फिर इंप्रेशन नीचे से जा रही है। अच्छा ड्यूडिनम टच हो रही होती है, सही हो गया, फिफ्थ फाइव इंप्रेशंस हो गए। ठीक, एक्सप्लेन सिगमेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ द लिवर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सिगमेंटल क्लासिफिकेशन तो थोड़ी हमने क्लॉकवाइज कर ली थी, 1 4 पीछे 2 3 4, और सिग्निफिकेंस तो वही है, फायदे है उसमें आ गए थे कैंसर और उन सारी चीज़ों में। डिस्क्राइब पोर्टा पैटस एंड इट्स कॉन्टेंट,
पोर्टा पैटस अगर डिफाइंड में है तो वो जो हाइलम राउंड लिगामेंट जो होता है, लिगामेंटम विनोजम की जो आउट प्रोट्रूडिंग होती है अगेंस्ट द पोर्टा पैटस, वो एरिया बनता है जहां से सारी आर्टरीज और वेन्स एंटर होती है, जो जिसकी बाउंड्री वो बना रहा है राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर, जिसको लिगामेंट ऑफ अच्छा राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर कहते हैं। ठीक, इसलिए वो बाउंड्री में वही बनेगा जो लेसर मेंटम का पार्ट आता है। और सर पोर्टा पैटस में जो उसके कंटेंट है वो तो यहाँ से जो दिख रहे हैं, गाल ब्लैडर से बाइल डक्ट आ रही है, हेपेटिक आर्टरी आ रही है, और ये जो ये पर्पलिश टाइप है ये क्या चीज़ थी, ये ब्लू वाली पोर्टल वेन है, अच्छा ये पोर्टल वेन हो गई है, और इसमें इन्फीरियर वेन है केवल तो नहीं आएगा इसके कॉन्टेंट में क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है इन्वॉल्व, वो आउट है, तो ये तीन चीज़ें आएंगी बस, लिम्फेटिक्स चार हो गई। अच्छा डिस्कस एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन थ्रू लिवर, वो उसी में आगे 70-30% जो आपने बताया था वही ले सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। व्हाट इज द मेन स्पॉट ऑफ द लिवर, अ मेन स्पॉट हेपेटिक वेन्स एंड द इन्फीरियर वेना केवा। व्हाट इज मॉरिसन्स पाउच बिटवीन द राइट किडनी एंड द राइट लिवर, सिग्निफिकेंस इज द मोस्ट डिपेंडेंट रीजन व्हेन लाइंग इन सुपाइन पोजिशन। व्हाट इज सिरोसिस, स्कारिंग ऑफ द लिवर, हेपेटोमेगैली, इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर, फाइब्रोसिस, हेपेटोमेगैली इज द इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर, कॉजेज ऑफ हेपेटोमेगैली, कॉजेज किए थे इसको मैंने पेटोमिगैली, यस वही ट्यूमर, फैटी टिश्यू, लिवर कैंसर, नॉन हेपेटिक कॉजेज, राइट साइड हार्ट फेलियर, फोर कॉजेज ही हैं ना सर। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिरोसिस, ये भी क्लियर हो गया, द कॉम्प्लिकेशन टॉक्सिन, इंसेफेलोपैथी, ब्लड पूलिंग, इसोफेजियल वेरेसिस। व्हाट इज द कॉमन साइट ऑफ द लिवर बायोप्सी, ये वही नीडल पॉइंट की बात कर रहे हैं, वही टेंथ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन, और एक्सेल पेशेंट कर रहा होगा और उसमें फिर हम नीडल करके सैंपल ले सकते हैं, बस इसके अलावा तो सर और कुछ नहीं है, कवर हो गया ना फुल। सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन भी होती है कैंसर, सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन कैंसर होती है, एचसीसी कराते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक हो गया सर, ठीक है सर, थैंक यू सर।